वेलकम बैक टू माय चैनल सुन द ढाबा। सो गाइस, आज मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग कहीं भी बाहर जाएं तो प्लीज मास्क हमेशा लगा कर जाएं और टाइम टू टाइम अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते रहें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि COVID-19 के चलते कितने केसेस हो रहे हैं, तो प्लीज गाइज स्टे होम स्टे सेफ। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। सो गाइज, आज हम बनाएंगे सूजी का डोसा, जो कि चावल और दाल के बैटर से भी बनता है। पर यहाँ पर हमें चावल और दाल को लंबे समय तक भिगो के नहीं रखना पड़ेगा और ये हमारा डोसा इंस्टेंटली बनके रेडी हो जाएगा। सो गाइज, है ना बहुत इजी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज, सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी तूर दाल ले ली है और अब हम इसको वॉश करेंगे, उसके बाद हम इसको 3 सीटी तक पका लेंगे। और अब हम इसमें 4 कप पानी डाल रहे हैं। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच से भी कम, और इसमें फिर हम 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और हम इसको 3 सीटी तक पका लेंगे अच्छे से। तो अब हम यहाँ पर 3 कटोरी सूजी लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। गाइस, हमारा फाइन पाउडर बनके एकदम रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो गाइस, ये देखिए हमारा फाइन पाउडर एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 कटोरी आटा मिलाएंगे। तो गाइस, हमने जो आटा अपनी सूजी के फाइन पाउडर में मिलाया है वो है गेहूं का आटा, और ये वही आटा है ये जो आप रोज खाते हैं अपने घर पे, इसकी चपाती खाते हैं, ये वही आटा है जो हमने इसमें मिलाया है। और अब हम इसमें 4 कटोरी दही मिला लेंगे। तो गाइज, मैंने इसमें 4 कटोरी दही डाल दी है और अब हम इसको अच्छे से विस्कर की मदद से मिला लेंगे। तो गाइज, हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज, अब हमारा फाइन पेस्ट बन के एकदम रेडी हो चुका है, ये देखिए। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। चलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और अब हम अपना फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो गाइज, अब हम अपनी नारियल की चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक नारियल ले रखा है और यहाँ पर 1.5 इंच अदरक ले रखी है और 4 हरी मिर्च ले रखी है जिनको मैंने बीच से काट रखा है। तो अब हम इसमें अपने सबसे पहले नारियल के पीसेस डालेंगे और अब हम इसमें अपने अदरक और लहसुन डाल देंगे और फिर हम यहाँ पर 1 कटोरी दही लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1 चम्मच इमली की चटनी डाल देंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच चने की दाल डालेंगे। और गाइस, ये रोस्टेड चने की दाल है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तड़का बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और अब हम इसमें 4 लाल मिर्च लेंगे अपनी और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून उड़द की दाल ली है और 1 टेबलस्पून उड़द की दाल है यहाँ पर और 1 टेबलस्पून चने की दाल है। चलिए बनाते हैं।
तो गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ पे चार लाल मिर्च ले रखी है और 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून उड़द की दाल और 1 टेबलस्पून चने की दाल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चुटकी भर हींग डालेंगे और उसके बाद हम ये अपने सारे मसाले डाल देंगे और अब हम उसको उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा करी पत्ता डाल देंगे। फिर हम इसमें एक प्याज काट ली मैंने यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एक प्याज ले ली है। गाइस प्याज हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ ट्रांसल्यूशन होने तक ही पकाना है। अब मैं इसमें 2 स्मॉल टमाटर डालूंगी जिन्हें मैंने अच्छे से चॉप्ड कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दूंगी और अब हम इसमें 20 ग्राम सांभर मसाले डाल देंगे। और यहाँ पर फिर मैंने एक आलू को अच्छे से काट लिया है, हम वो भी ले लेंगे। और उसके बाद हम इसमें एक कटी हुई गाजर और अब हम यहाँ पर एक ड्रम स्टिक लेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे 6 लेडी फिंगर्स ले रखी हैं और अब हम इसको और अब हम इसमें अपनी दाल डाल देंगे। जब तक हमारी सांभर की सब्जियां सॉफ्ट नहीं हो जाती जब तक हमें इसको अच्छे से पकाना है और तब तक हम अपनी डोसे की स्टफिंग रेडी करते हैं। सांभर में हमने ऊपर से 1.5 गिलास पानी और डाला है जिससे हमारा सांभर ज़्यादा गाढ़ा ना हो, हमें सांभर पतला ही चाहिए। और अब हम यहाँ पर अपनी स्टफिंग रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर 1 टेबलस्पून उड़द की दाल चाहिए और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर उड़द की दाल और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सरसों लिया है और 2 चुटकी भर हींग और करी पत्ता। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ले रखी है और इनको मैंने काट लिया है। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ कलर चेंज होने तक ही पकाना है। और अब मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्ची डाल दी, इसको मैंने अच्छे से काट लिया है और हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं 1/2 टेबलस्पून हल्दी ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ले रखी है और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने आमचूर पाउडर ले रखा है। और यहाँ पर मैं 1 कप पानी मिला रही हूँ। और जब तक हमारा पानी उबलेगा मैंने यहाँ पे 5 बॉइल्ड आलू ले रखे हैं और हम इसको फिर मैश करके डाल देंगे और उसको अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसको चला लेंगे अच्छे से और अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिलाएंगे। और अब हम इसके ऊपर से धनिया लगा देंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच इमली की चटनी मिलाएंगे
मिक्स कर देंगे। तो गाइस हमारा सांभर और डोसे की स्टफिंग और हमारी चटनी बनके एकदम रेडी हो चुकी है और अब हमें अपना डोसा बनाना है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, आप लोग यहाँ पर इनो भी ले सकते हैं, वो भी आप 1 टेबल स्पून लेंगे, पर अगर आप लोग यहाँ पर बेकिंग सोडा लेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालना होगा उसको मिक्स करने के लिए। तो गाइस डोसा हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हम इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे, और अगर आप इसको स्लो फ्लेम पे पकाते हैं तो इसका पापड़ बन जाएगा और जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस हम इसमें सबसे पहले पानी डालेंगे और इसकी हीट मेंटेन करके रखेंगे। ये देखिए तो साफ कर देंगे। तो गाइस हमारा सूजी का डोसा, नारियल की चटनी और सांभर बनके एकदम रेडी हो चुका है। और एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट शेयर, और आप भी इसे अपने घर पे ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए कि आपको ये डिश कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आप मेरे साथ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो आप मेरी आगे की नई नई रेसिपीज देख पाएंगे।